चाहेंगे इतना अच्छा क्राउड, पब्लिकों का प्यार, सीटियां, तालियां ससुराल को मिल रही है। सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राजकुमार पांडे की तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। और आप लोग ससुराल को इतना प्यार दे रहे हैं और इतना सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए मैं हमेशा आप सबका आभारी रहूँगा और शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का कि आप जब भी मैंने कोई फिल्म बनाई है, मैंने छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं, आपने प्यार दे के बड़ी बड़ी कर दिया उसको, तो ये प्यार हमेशा बनाए रखें, क्योंकि जब तक आपका प्यार बना रहेगा तभी तक मैं फिल्में अच्छी कर पाऊँगा। जिस दिन आपको लगे कि राजकुमार पांडे बस, तो मैं फिल्म उसके बाद नहीं बनाऊँगा। जिस तरह आप देखते हैं उस तरह मैं भी एक दर्शक बन के आपके साथ पिक्चर देखूँगा। जिस निर्देशक की फिल्म अच्छी होगी उसको हम फिर से उनको डायरेक्टर लेंगे, उनके साथ फिल्म बनाएंगे। लेकिन फिलहाल मज़ा लेते हैं हम लोग ससुराल का। और चूँकि नौरा में बैठे हुए हमारे साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये राजेश सिंह जी हैं। इधर घुमाइए दिखाइए मेरे राजेश जी को। फिल्म बहुत अच्छी है और अच्छी अच्छे कलेक्शन ला रही है और अच्छी चलेगी। दूसरे हमारे प्रदीप सिंह जी हैं, ये हमारे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये ट्रायो एक हमारी ग्रुप जो है, प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे ससुराल को लेकर? ससुराल को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है, राजकुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रदीप जी ने जब इसका ट्रेलर आया था ना, तभी इन्होंने चैलेंज कर दिया था, क्योंकि चार फिल्म एक साथ रिलीज हो रही थी बिहार के अंदर ईद के मौके पर, तो इन्होंने कहा था ससुराल बाजी मारेगी और आज वही हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तीसरे मतलब पहले दूसरे और तीसरे, वैसे देखा जाए तो ही इज़ वेरी सीनियर, हमारे पप्पू जी। पप्पू जी क्या शुभकामना देना चाहेंगे ससुराल को? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ राजकुमार जी को, और हम भोजपुरी वाले ये समझते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई यश चोपड़ा है भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो राजकुमार पांडे है। अच्छा ये बताइए ससुराल फिल्म राजकुमार पांडे को ससुराल कब भेज रहे हैं? राजकुमार पांडे जब चाहे ससुराल जा सकते हैं, ऐसी क्या बात है? अब तो बेटे को ससुराल भेजने का टाइम है। अच्छा हमारे सिनेमा के मालिक यासीन भाई बैठे हैं, थोड़ा उनको भी कवर किया। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो भोजपुरी फिल्म आप लोग बॉम्बे में देखते हैं, जिस नौरंग सिनेमा में बार बार प्रीमियर होता है और कलाकार जो है यहाँ पर आते हैं, तो मैं इस सिनेमा के जो मालिक हमारे यासीन जी हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और उन्होंने हम लोगों को बहुत प्यार दिया है, भोजपुरी चलाने का मौका दिया है। अगर ये हमारे बॉम्बे के सिनेमा मालिक जितने लोग हैं ये लोग कॉपरेट ना करें, एग्जीबिटर्स हमारे हैं जो और सारे लोग हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे हैं, अगर ये लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो हम बहुत अच्छी सोच सकते हैं, उसको पर्दे तक भी ला सकते हैं। लेकिन जिस पर्दे पर आपको दिखाया जाता है, जब तक इनका कॉपरेशन नहीं होगा तब तक वो पिक्चर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो जितना प्यार हम सबको आप देते हैं, वही प्यार ये सिनेमा के साथ बना रहे हैं। और एक चीज़ और, बहुत ख़राब लगता है जब आप लोगों को देखते हैं कि सिनेमा हॉल में आप लोग थूकते हैं जाके, ख़राब करते हैं, जैसे हम घर की सफाई रखते हैं ना, वैसे हमको सिनेमा हॉल की सफाई रखना चाहिए। क्योंकि जब जब कोई फिल्म आती है हम लोग आके बैठते हैं, मान लीजिए आपने गुटखा खाया और सीट पर थूक दिया और कोई और बैठा उसके पैंट में दाग लग गया, जब दूसरे शो में कभी आप आएंगे और कोई और थूका रहेगा फिर आपके भी पैंट में लगेगा। तो ये सिनेमा एक सिनेमा घर ही नहीं है, हमारे मेंटल स्ट्रेस को, हमारे दिमाग में जो थकान रहती है, परेशानियां रहती है, सामाजिक बातें क्या, उसको सीखने का एक ऐसी जगह है, एक ऐसा माध्यम है जो हमारे घर की तरह हमारे सिनेमा को स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, ये आपकी अपनी जगह है, यहाँ आप आज़ाद होते हैं, मस्ती करते हैं, चिल्लाते हैं, तो सोचिए ना घर से ज़्यादा आपको आज़ादी सिनेमा हॉल के अंदर मिलती है, तो इसको और साफ़ सुथरा रखना है और बहुत प्यार करना है सिनेमा स्टाफ के लोगों से, जो सिनेमा हॉल के स्टाफ के लोग हैं। और बाकी ससुराल, जिसकी शादी हुई है वो तो ससुराल जाओ, जिसकी नहीं हुई है वो अपने भाई के ससुराल जाओ, और सारे मिलकर हमारे जो चिंटू वाली ससुराल है यहाँ पर ज़रूर आओ, आप फिल्म ससुराल ज़रूर देखो। थैंक यू।